नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता रंजन और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही दिग्गज कलाकार। जी हाँ, पंडित विजय राजपूत आपका नाम है और आप ख्याल गायकी के धुरंधर हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप रहते तो भारत से बाहर हैं, लेकिन और वहां आप शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं बच्चों को और जो भी संगीत में रुचि रखते हैं उन लोगों को, लेकिन अभी आप मौजूदा समय में इंडिया में हैं, तो आपसे बातचीत करने का मौका मिला है। राजपूत जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार श्वेता जी, नमस्कार, और आपके सभी सुनने वाले देखने वालों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो आप कल वापसी कर रहे हैं? जी, कल शाम की मेरी फ्लाइट है। हाँ जी जी तो अभी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर, और ये कब से फंसे हुए हैं आप, या फिर आपकी स्वेच्छा से आप यहाँ पे आ गए? नहीं, मैं फंसा तो नहीं हूँ, मैं स्वेच्छा से ही आया था। जी और पर हाँ, थोड़ा सा तो फंस गया हूँ क्योंकि बीच में आपको 14 दिन क्वारंटाइन करना है, वो सब टाइम वेस्टेज जो होते हैं वो सब। बट हाँ, लेकिन मैं स्वेच्छा से ही आया था, मेरा काम था यहाँ पर कुछ, तो जी जी ऐसा कुछ नहीं। और अभी तो आपको पता है पूरा वर्ल्ड एक जैसा ही हो रखा है। हाँ, हर जगह तो स्थितियां सेम है, हर जगह जी स्थितियां जी सेम है। जी तो चलिए, आपके संगीत की जो यात्रा है उस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अमित कुमार जुड़े हैं, अभी हाय लिखते हैं, हेलो अमित। और इसी तरह दर्शक अगर अपना प्यार भेजते रहें, संदेश लिखते रहें, तो हम शामिल करते रहेंगे कार्यक्रम में। जी। तो इस वक्त आपकी यात्रा की बात करते हैं। संगीत के प्रति रुचि आपकी 8 वर्ष की उम्र में आपने राह पकड़ी, वो कैसे हुआ था विजय जी? एक्चुअली बचपन में मेरे घर में तो गाना नहीं है कोई ऐसा, हम नहीं गाते हैं, हम लोग राजपूत लोग हैं, तो आपको पता है राजपूतों का तो सिस्टम तो। लेकिन मेरी नानी को गाने का शौक था बहुत, तो जब छोटे बच्चे होते हैं वैसे मैं उनके साथ गाया करता था, उनको शौक था, उन्होंने मुझे फिर फोक सिखाया। उनको फोक बहुत अच्छा आता था, यूपी का और राजस्थान का फोक उनको बहुत याद था, तो वो मुझे सीखने को मिला उनसे, और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। फिर मैंने जो नॉर्मल बच्चे जैसे गाते हैं उस तरीके का गाना शुरू किया, लेकिन टचवुड मुझे बचपन में ही रास्ता दिख गया था, और बचपन से ही फिर मेरी लगन लगी। फिर मैंने क्लासिकल शुरू किया 1987 से, तो उससे पहले मैं लाइट काफी गाया, 10 साल मेरा यह नाम था दिल्ली में, चाइल्ड आर्टिस्ट ऐसे मैं काफी टीवी शो की है, बहुत काम। जी 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 फिर आपका जो एक जुड़ाव हुआ भीमसेन जोशी जी के साथ, जी जी वो कैसे हुआ? वो 1993 में मेरा हुआ गुरुजी से मिलना, क्योंकि मैं गंधर्व महाविद्यालय में सीखता था उस टाइम, तो गंधर्व से गुरुजी एक बार आए थे वहां पर गाने के लिए, तो मुझे लगा कि गाना सीखना चाहिए तो गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखना चाहिए। अगर आपको संगीत को अपना अगर प्रोफेशन बनाना है, खासकर क्लासिकल को, तो गुरु शिष्य परंपरा से वो बड़े आराम से आपको चीजें मिल जाती हैं। मुश्किल है वो मिलना, लेकिन मिलती बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर मुझे लगा कि अब, और क्योंकि मैं टचवुड मेरे साथ में ऐसी कृपा रही है भगवान की कि मुझे तीनों विधाओं में सीखना मिला। मैं स्कूल में भी सीखा, यूनिवर्सिटी में मैंने PhD किया, और फिर मैं गुरु शिष्य परंपरा से सीखा, तो मुझे तीनों तरीके से सीखने को मिला। तो इसलिए तब तो आप सबसे सही व्यक्ति हैं ये बताने के लिए कि तीनों में फर्क क्या है, और कौन सा किसी भी बच्चे के लिए या उन लोगों के लिए जो संगीत में आना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका, माध्यम कौन सा रहता है? देखिए, तीनों ही तरीके अच्छे हैं, पर यह है कि आपको क्या किस टाइम मिलता है। जैसे गंधर्व महाविद्यालय में बताता हूँ, बिगिनिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। हमारे भाई जी जब प्रिंसिपल थे, विनय चंद्र मौदगले जी, मधुब जी के फादर, तो वो ये बोलते थे कि गंधर्व महाविद्यालय में मैं तानसेन नहीं तैयार करता हूँ, मैं कानसेन तैयार करता हूँ। जी जी तो आपको एक अच्छी, अगर रास्ता दिखाने वाले गुरु मिल जाए तो वो गंधर्व महाविद्यालय, वहां से आपको रास्ता मिलेगा। लेकिन आप कहें कि मैं वहां से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए आपको फिर किसी प्रोफेशनल गुरु के पास ही रहकर सीखना पड़ेगा, 1-to-1, पर ये 1-to-1 शिक्षा है, इसमें आप ग्रुप में नहीं सीख सकते। अब यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का फायदा ये है, मैं यूनिवर्सिटी से PhD किया हूँ, तो उसका फायदा ये कि आपको बहुत जल्दी बहुत सारी नॉलेज मिलती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स करना है, 1 साल में 50 राग, लोगों को 1 साल में 1 राग गुरु सिखाते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी में आपको 50 राग बता दिए जाते हैं, तो नॉलेज, एक सिलेबस जैसा आपको फॉलो ही करना है, आपको नॉलेज आ जाती है, लेकिन गाना आएगा या नहीं आएगा ये
पक्का नहीं है तो जी, उसके लिए आपको गुरु के पास ही जाना पड़ेगा, वहीं से आपको गाना। तो अपने आप में आपने क्या बदलाव देखा जब से आप जोशी जी, भीमसेन जोशी जी के साथ जुड़े, फिर अपनी गायकी में, अंदाज में क्या नयापन आया, और चूंकि आप एक फिर घराने से जुड़ गए जी, तो क्या बदलाव महसूस किया? मुझे ऐसा लगता है जब आप इस तरीके के बड़े आर्टिस्ट के पास जाते हो तो वो इतने बड़े वृक्ष हैं कि उनका तो एक पत्ता भी अगर आपको मिल गया तो आपकी जिंदगी सफल है, तो वो तो बरगद का पेड़ है और हम हैं छोटे से समझो घास उनके सामने, सैपलिंग। तो बस उन लोगों की तो छाओ में भी अगर हम रहे तो हमारा जीवन सफल हो गया। वो ऐसे गुरु थे कि उन, मैंने खुद देखा है कि लोग उनसे कंधा लगा के फोटो खिंचाने के लिए तरसते थे गुरु जी से। तो हमें जितनी भी शिक्षा उनसे मिली, जैसा भी मिला, और गुरु जी ने जितना भी दिया, टचवुड मैं शायद सबसे यंगेस्ट हूँ उनका स्टूडेंट में, बाकी मेरे फादर की एज के स्टूडेंट थे गुरु जी के ज्यादातर, तो मैं सबसे जवान जिसको कहो बच्चा था, और उनका बेटा जो श्रीनिवास जोशी है, श्रीनिवास जी, उस टाइम में हम दोनों तकरीबन एक साथ ही हम लोगों ने वहां पर सीखा गुरु जी के पास में। तो मुझे बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी मिली गुरु जी से, क्योंकि गुरु जी बहुत बिजी आर्टिस्ट थे और हर रोज हर दूसरे दिन तो शो होता था उनका, तो आधा आधा वो कभी कभी स्टेज पे सिखा देते थे गाना। तो वो जो शिक्षा है वो आपको मिलना बहुत मुश्किल है एज ए इफ यू वॉन्ट टू बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल होने के लिए, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है, लिखने के लिए नहीं है, परफॉर्म करना है आपको, तो परफॉर्म करने के लिए आपको परफॉर्मर गुरु के पास ही जाना पड़ेगा, उसको पता होंगी बारीकियां परफॉर्मेंसेस की क्या होती है। राइट, सो आपके घराने जो किराना घराना है, क्या खासियत है, खूबियां हैं, कैसे वो सबसे अलग और जुदा है? देखिए मैं अपने आप को जो कहता हूँ ना, मैं किराना घराना ना कह के ना पंडित भीमसेन जोशी जी घराना कहता हूँ, क्योंकि हमारे गुरु जी हमें ये बोलते थे कि घराना में आपको अपने आप को बनाना बड़ा मुश्किल होता है, अगर आपने घराना जोड़ लिया तो बहुत मुश्किल होगा, तो आप नैरो हो जाओगे कि मुझे सिर्फ किराने का ही गाना नहीं। एज ए आर्टिस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि बेस्ट क्या है हर घराने का, और उसको आपने ऐसा रियाज करना है कि सुनने वाला ये कहे कि यही बेस्ट है और यही किराना घराना है। तो गुरुजी ने जो चीजें की, उन्होंने ये बोला कि आप सब फ्लावर, अलग अलग फ्लावर इकट्ठे करो और उसका अपना एक बंच बना के, एक फ्लावर पॉट बना के आप लोगों को प्रेजेंटेशन दोगे तो वो ज्यादा सुंदर लगेगा, अदरवाइज आप अगर रोज ही रोज दोगे तो भी अच्छे नहीं लगते, अगर आप उसमें रोज में बीच में लिली डाल दो, बीच में लोटस डाल दो या कुछ और डालो तो वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो वो मुझे बहुत फायदा हुआ, बट नॉर्मल जो गायकी का अंदाज है, क्योंकि जो आज बड़ा ख्याल सुन रहे हो वो किराना घराने की देन है, स्लो बड़ा ख्याल जो आज आप सुन रहे हो वो किराना की देन है। उससे पहले ग्वालियर घराने में 24 में गाया करते थे, 24 की बीट से ज्यादा नहीं स्लो गाते थे, लेकिन जो वो विलंबित जो ख्याल आया वो वहां का, और वो सबसे जो उसमें एक प्लस पॉइंट जो आपने कहा ना कि लाइफ में क्या चेंज आया, मेरी लाइफ में ये चेंज आया कि मेरा म्यूजिक आध्यात्मिक हो गया, तो मैं अपने गाने को अपनी ऑडियंस के लिए ना गा के मैं अपने भगवान के लिए गाने लगा, वो एक किराना घराने की और खासकर गुरुजी के गायकी की वो एक प्लस पॉइंट है। गुरुजी हमेशा भक्ति करते थे अपने गाने में, तो अगर आपके गाने में भक्ति जुड़ गया, और हमारे संगीत का तो आपको पता है सार है, जो हमारा सार है वो यही है कि आपको अपने संगीत के थ्रू भगवान को मनाना है। तो अभी हम कैसे भगवान को मना सकते हैं? मैं आपको एक इस शाम के टाइम में एक छोटा सा राग सुनाता हूँ मैं आपको, गुरुजी के कंपोजिशन जो गुरुजी बहुत गाए हैं और लोगों को सुनी हुई है, तो 2 मिनट में आपके सामने वो पेश करता हूँ, राग यमन में। जरूर जरूर प्लीज। रे दा re na re re na da da शाम बजाए आज मुर
मुरलिया श्याम बजाए आज मुरलिया वे अपनो अदरन गुनी सो श्याम बजाए आज मुरलिया श्याम बजाए श्याम बजाए श्याम बजाए आज मुरलिया वे अपनो अदरन गुनी सो श्याम बजाए श्याम बजाए मुरलिया मुरलिया श्याम बजाए रे मुरली श्याम बजाए आज मुरलिया जोगी जंगम जति सती जोगी जंगम जति सती जोगी जंगम जति सती और गुनी मुनि मुनि रे जति सती और गुनी मुनि सब नर नारी मोहलियो है मन करके श्याम बजाए पामा गरे धनी धनी रे गा मा धनी रे गरे धनी धा पामा धा पामा गरे धाओ श्याम बजाए श्याम बजाए श्याम बजाए आज बहुत ही सुंदर। अभी वहां पे तानपुरा चल रहा है क्या आपके पास? तानपुरा जी 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 जी, 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 जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, जैसे ये राग यमन सुना हमने, तो आपके घराने की और कौन से ऐसे राग हैं या बंदिशें जो कि मतलब आपके घराने की खासियत मानी जाती है? ये राग एक सबसे महत्वपूर्ण राग है कल्याण। यमन हमारे यहाँ बहुत गाया है और ये मेरे गुरुजी के गुरु उनके गुरु अब्दुल करीम खान साहब के टाइम से यमन पुरिया धनाश्री तोड़ी भैरव कोमल रेखा बसावरी मुल्तानी ये हमारे घराने के मेन राग हैं जिनको पुरिया धनाश्री की एक बहुत ही अच्छी कंपोजिशन हमारे गुरुजी ने गाई है मेरे गुरुजी के गुरुजी ने गाई है हमारे दादा गुरुजी के गुरु ने अब्दुल करीम खान साहब की क्रिएट की हुई है वो बंदिश। तो और इस घराने की खूबसूरती शुरू से ही रही वो भक्ति संगीत के जैसा है कि आपको अपने क्लासिकल म्यूजिक को ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे आप भगवान के सामने भक्ति कर रहे हैं। बस ये मैं तो इतना ही समझ पाया अभी तक संगीत का, जितना भी मुझे सार समझ में आया कि आप जितना इसको डिवोशनल करके करोगे उतना ज्यादा वो बड़ा होगा। तो जैसे आपके घराने की जब बात करते हैं विजय जी, तो हमें सबसे पहला नाम जो आता है वो भीमसेन जोशी जी का आता है, लेकिन मैं चाहूंगी थोड़ा आप ज्ञानवर्धन करें मेरा भी और दर्शकों का भी कि किस तरह से और भी दिग्गज लोग रहे हैं और संस्थापक कौन थे, कैसे आपके घराने में और कौन से नामी गिरामी चेहरे रहे जिनको लोग जानते पहचानते हैं, थोड़ी अगर आप। मेरे मेरे गुरुजी की गुरु बहन थी गंगूबाई हंगल, बहुत मशहूर सिंगर थी गंगूबाई हंगल, फिरोज दस्तूर थे गुरुजी के गुरु भाई थे वो भी, वो फिरोज दस्तूर जी थे बॉम्बे में और वो पारसी सिनेमा के बहुत बड़े कलाकार थे। फिर उसके अलावा और गुरुजी से गुरुजी के जो गुरु थे रामबाबू कुंदगोलकर जी जो कि कुंदगोल में रहते थे और उनका वो थे, वो डायरेक्ट डिसाइपल थे अब्दुल करीम खान साहब के। तो हमारा जो घराना है वो अब्दुल करीम खान साहब से शुरू हुआ और फिर जो जिसको मैं कहूंगा कि जो 19th सेंचुरी या 20th में जिसने इस घराने को बड़ा किया, वैसे तो और पहले से भी बुजुर्ग थे
पर ज्यादा नाम जिनका जिनके नाम से आज हमारा किराना घराना जाना जाता है वो अब्दुल करीम खान साहब कहते हैं जी। और दूसरी उनकी जो भाई थे वहीद खान, अब्दुल वहीद खान साहब, वो आपने सुना होगा आमिर खान साहब के गुरुजी थे, जो उस्ताद आमिर खान साहब थे उनके गुरुजी थे। तो ये ऐसे एक परंपरा आई है और वो उन लोगों का शुरू से ही जो गाना था वो ट्रेडिशनली मुझे जो समझ में आया वो ज्यादातर ऐसा ही था कि जैसे आप उन्होंने कुछ कंपोजिशन क्रिएट की तो आप अगर उन्हें सुनोगे तो आपको लगेगा कि वो सिर्फ रूबरू हो रहे हैं भगवान से, अल्लाह से वो अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा आपको कि वो उनसे बात कर रहे हैं बैठ के, और उसी के थ्रू प्रेजेंटेशन होता था। तो मैं अपने स्टूडेंट को भी यही बताता हूँ कि नोट्स जो है वो गाना नहीं है, नोट्स तो ग्रामर है हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की, ग्रामर आप जैसे लैंग्वेज सीखते हो तो आपको ग्रामर आता है, तो नोट्स आपके ग्रामर हैं। जब आपके नोट्स पक्के होंगे तब आप कुछ लिख सकते हो ना, तो आपका ग्रामर ही ठीक नहीं है तो आप पास्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट को पास्ट कर रहे हो। तो सेम जब आपके सुर पक्के हो जाते हैं तब उसके बाद गाना आता है। तो अभी 20 साल 25 साल तो उसी में निकल जाते हैं क्लासिकल में, सुर पक्के होने के लिए पूरी जिंदगी छोटी है। पर हाँ, अगर आप गुरु की शरण में हो तो सचमुच कुछ ना कुछ मैंने देखा है, ये मेरा पाया हुआ है, तो इसलिए मैं आप सुनने वालों को भी कह सकता हूँ कि आप अगर अच्छे गुरु के पास जाओ तो अच्छे गुरु भी अच्छे शागिर्द ढूंढ रहे होते हैं। तो जैसे आपने जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे आपने अभी जिक्र किया, ये बहुत ही खूबसूरत आपने एक एग्जांपल दिया है ग्रामर से जोड़कर कि किसी भी भाषा में जैसे ग्रामर है उसको जानना जरूरी है। तो आपने तो कई आप अपने घराने के कई लोगों का भी जिक्र किया, नाम लिया जिन्होंने नाम कमाया और घराने को एक पहचान दी, लेकिन किनको आप सबसे ज्यादा सुनना या प्रभावित हुए मैं कहूंगी, जिनकी शैली में आपने अपने आप को ढालने की कोशिश भी की? देखिए आपको और किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, आपके आपके पास जब गॉड ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है तो आप इधर उधर क्यों भटकोगे। तो हमें तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि हमें इतने बड़े गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके चरणों में रह के हमें कुछ जो भी शिक्षा मिली जितना भी हमको मिला, तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको बढ़ाने की। तो अब वैसे मैं आमिर खान साहब को बहुत सुनता हूँ और उनको मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनके जैसा कलाकार अभी आज के टाइम में हमारे, मैं तो ये भी कहूंगा जितने आर्टिस्ट गा रहे हैं अभी कहीं ना कहीं वो आमिर खान साहब को फॉलो जरूर करते हैं, कहीं ना कहीं से उस्ताद आमिर खान साहब को वो कहीं ना कहीं से फॉलो करेंगे, चाहे आप किसी भी बड़े सिंगर को आप उठा के रख लीजिए। और या अगर अच्छे आर्टिस्ट तो हमेशा ही रहे, अब आप अगर आपको कुछ अच्छा सुनना है तो आप बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनोगे, अगर आपको ख्याल में कुछ अच्छा लेना है तो आप आमिर खान साहब को सुनोगे, इधर आप जाओगे तो आप रैमपुर सैसवान घराने में किसी को सुनना पसंद करोगे तो वहां से आपको गाना मिलेगा। और हर जगह कुछ ना कुछ है सीखने के लिए। ये आप, मैं ऐसा सोचा, मैंने खुद सोचा कि जब आप ऊंची बिल्डिंग पे खड़े होते हो ना तो आपको नीचे सब एक जैसा दिखता है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि हम घराने में ना फंस के ब्यूटी को ले ना, सब ब्यूटी अपनी ही है, घरानों की सब ब्यूटी यमन, सबने यमन ही करके गाया है, किसी ने ये नहीं कहा कि यमन किसी और घराने का अलग, बस लेकिन वो प्रेजेंटेशन से घराना बन गया कि अगर 3 जनरेशन 5 जनरेशन एक घराने को फॉलो करते हैं उसे प्रेजेंटेशन से घराना बन गया बस, अदरवाइज यमन यमन ही गाया है, 1000 साल से यमन ही गा रहे हैं, वो चेंज नहीं हुआ है वैसे ही। तो हमें कोशिश तो ये करना है, और आजकल तो वैसे भी आपको पता है मीडिया का टाइम है, आप तो 1 मिनट में आप चैनल चेंज करो आपको सारे गुरु यूट्यूब पे क्रिएटेड हो जाएंगे। सही बात है। तो हमें तो सुनने वालों को अब तो बड़ा दिमाग करके लर्न करना चाहिए, हमें ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए, घराना तो रखना ही है अपना जो हमारे गुरुओं का है। ये तो ऐसा हुआ ना कि आपके पिता की चीज है, हमारा घराना मतलब हमारे जी, गुरु, अब हमारे वो जयपुर घराना हो, बनारस हो, आपका बस, हो कोई घराना बस, हो घराना तो मतलब सिर्फ शैली थोड़ी अलग हो जाती है राग और ठुमरी। अगर अगर किसी को भी ठुमरी गानी है तो उसको 2 ही अंग फॉलो करने पड़ेंगे, या तो पूरा अंग तो बनारस या उस तरफ जाना पड़ेगा, या पंजाब तो आपको ये पटियाला घराने का सीखना पड़ेगा, ये 2 ही घराने हैं ठुमरी, तो अब आप कैसे घराने में डालोगे इसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बड़ा माइंड करके बनारस भी जा सकते हो आप और आप पंजाब भी जा सकते हो, ये आपकी गायकी पे है कि आप किस गायकी को किस पसंद करते हो, क्योंकि हर गायकी का अपना एक अंदाज है। सही बात है। तो विजय जी, जैसे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात करके कि आपके घराने के बारे में, और इतने आपने सबका नाम लिया बताया,
बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त की पाबंदी हो जाती है, लेकिन मैं चाहूंगी आपके बारे में जो खास बात है, अभंग आप बहुत अच्छा गाते हैं। जी जी, तो मैं आपको एक गुरु जी का बहुत मुझे पसंदीदा भजन है वो मैं आपको सुनाता हूँ, या मराठी आप सुनना जो आप चाहे, मैं तो दोनों गा सकता हूँ। अगर अभंग तो आप दोनों गाइए, आप नहीं, मैं तो आपको लगातार सुनना चाह रही हूँ, आप दोनों गाइए प्लीज। मैं थोड़ा थोड़ा दोनों सुना देता हूँ आपको। जरूर 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 जी। तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, गुरु विठ्ठल गुरु पूजा विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, माता विठ्ठल पिता विठ्ठल बंधु विठ्ठल, गोत्र विठ्ठल बंधु विठ्ठल, गोत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, नमा मणि माझे विठ्ठल जापणला, वणनी कडी काया पार नाही पार नाही, तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, गुरु विठ्ठल गुरु पूजा विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल। और इसी राग के, सुबह का राग मैंने आपको ये सुनाया अभी, और इसी राग के एक और कंपोज गुरुजी का एक बहुत ही बढ़िया एक भजन बैरागी भैरव में है जी। इस भजन का भी मैं आपको एक और, मुझे याद आया गाते गाते इसी राग में गुरुजी ने और दो भारत रत्न ने ये एक साथ गाया भजन। इसकी खासियत यह है कि हिंदुस्तान के दो भारत रत्न एक साथ गाए हैं, लता मंगेशकर जी और गुरुजी पंडित भीमसेन जोशी जी, दोनों ने एक साथ गाया। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन रूप सुखकर, रामात्मा रामात्मा राम का सम्मान
करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान, करिए राम का गुणगान, करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का, ध्यान धरिए राम का गुणगान, करिए मुझे तो लग रहा है मैं ये राम का गुणगान करिए तो मैं सुनती रहूं, थोड़ा आपको वो तानपुरा कम करना पड़ेगा। हाँ, जी, 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 जी। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बिल्कुल राम में कर दिया आपने, और बहुत सुंदर लाइनें हैं, बहुत ही सुंदर जी, बहुत अच्छा लगा। इसमें ब्यूटी सबसे बड़ी क्या है कि ये दो महान गुरु गाए हुए हैं, और अगर मैं आपसे ये नहीं सुनती तो मैं वंचित रह जाती इतने अच्छे म्यूजिकल पीस से। बहुत सुंदर जी जी। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ जर्नी एंड अ वेरी गुड म्यूजिकल लाइफ अहेड। वैसे तो आप भारत की जो ये कला है उसको आप देश विदेश में फैला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जी, थैंक यू। और नेशनल खबर के सभी सुनने वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। स्विता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऐसा चांस दिया। थैंक यू सो मच। तो इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे, और इसी तरह आप जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, हमारे कार्यक्रम को एंजॉय करते रहिए। नमस्कार।